नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सनसनीखेज वारदातों की उलझी हुई डोर सुलझाती तफ्तीश। यूपी साहिबाबाद इलाके से यूपी पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 25 जनवरी को दिल्ली के दिलशाद गार्डन से नर्सरी क्लास के छात्र के अपहरण का केस सुलझा लिया। पुलिस ने अगवा हुए बच्चे को अपहरणकर्ताओं की चुंगल से सकुशल मुक्त भी करा लिया। इस कार्रवाई में एक बदमाश की मौत हो गई जबकि दूसरा बदमाश घायल है। मामले में बदमाशों ने 50 लाख की फिरौती परिवार से मांगी थी। एक रिपोर्ट देखिए आप। साहिबाबाद में अपहरणकर्ताओं से मुठभेड़, दिल्ली के नर्सरी के छात्र का हुआ था अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 50 लाख की फिरौती। खबर के मुताबिक 25 जनवरी की सुबह नर्सरी का छात्र अपनी बहन के साथ स्कूल बस से जा रहा था, तभी अचानक दिलशाद गार्डन इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने बस ड्राइवर के पैर में गोली मारकर उसका अपहरण कर लिया था। घटना के बाद से पुलिस बदमाशों को तलाशने में जुट गई थी। 28 जनवरी को अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम के लिए परिवार से 50 लाख रुपए मांगे और इसी से पुलिस को सुराग मिला और सही लोकेशन का पता चला। यूपी के साहिबाबाद के शालीमार सिटी में एबॉय अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 505 से पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार रात करीब 1 बजे दस्तक दी। पुलिस के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने टीम पर फायरिंग की और इस मुठभेड़ में एक बदमाश रवि मारा गया तो दूसरा बदमाश पंकज घायल हालत में पकड़ लिया गया। पुलिस ने तीसरे आरोपी नितिन को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है बच्चों को छोड़ने के लिए बदमाशों ने 50 लाख की डिमांड की थी लेकिन परिवार वाले पैसे नहीं जुटा पा रहे थे। एक बच्चे को सकुशल क्राइम ब्रांच ने उसके माँ बाप से मिलवाया है। आप देख सकते हैं ये फ्लैट है, इस फ्लैट की ये किचन है, किचन में जिस तरह की सामान रखा हुआ है। 3 BHK फ्लैट है, इस फ्लैट में आप देख सकते हैं कि जगह जगह ये सामान फैला हुआ है। क्राइम ब्रांच यहाँ आती है, मुठभेड़ होती है। इस पूरी मुठभेड़ के बारे में गाजियाबाद पुलिस को कुछ नहीं बताया गया। देर रात ये मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश की मौत भी हुई और बाकी बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया और साथ ही जो बच्चा था 5 साल का मासूम उसे भी सकुशल बरामद कर लिया। ये दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके लिए जो परिजन है, बच्चे के परिजन है, वो बार बार दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, ईटीवी न्यूज, गाजियाबाद। बांदा में 31 जनवरी को हुए एक ही परिवार के हत्याकांड मामले में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि 31 दिसंबर की रात एक ही परिवार के पति पत्नी और उनके दो बच्चों के कुल्हाड़ी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में गोलू नाम के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। बांदा के निर्मम हत्याकांड का खुलासा, एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई थी हत्या, गोलू नाम का हत्यारा गिरफ्तार। आपको बता दें 31 दिसंबर की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के कताई मिल के पास एक नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया था जिसमें महादेव, उसकी पत्नी रानिया और उसके दो बच्चे पवन और राजकुमार की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरी घटना के चश्मदीद मृतक दंपति की छोटी बेटी रानी थी जिसने इस पूरी घटना को रात में अपनी आंखों से देखा था और इसी ने गोलू नाम के युवक का नाम बताया था जो कि इनका ही रिश्तेदार है। पापा को बचाने गए, मम्मी को ढूंढ के मारा, फिर भाई लोग तो मारते, फिर मुझको ढूंढता था। तो बेटा तुम कहाँ चली गई थी? हम भीतर ही छिप गए जहाँ बाजू आते। तो क्यों बेटा कुल्हाड़ी से कहे से मार रहा था? कहे से कुल्हाड़ी इसी ने मारा था जिसको पुलिस लेके आई थी अभी जी। क्या नाम था इसका? इसका गोलू। यही है व्यक्ति जी? किसको पकड़ के लाई थी? गोलू का लाई है, चोरी के दिया था भैया। गोलू ही था वो? हाँ गोलू आया जो मारिस काटी सी कुल्हरा वाले और इनके डाका ये लड़ाई इनका चल रहा है। इनका ये भीतरी भारी रहती, कहीं मार कहीं खान कहीं कर। जमीनी विवाद था? यह जमीन यहाँ है, पैसा सब लाई नहीं ना और नहीं करा नहीं रहा के। बांदा पुलिस ने हत्यारे गोलू को गिरफ्तार कर आलाय कत्ल कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है जिससे 4 लोगों की हत्या की गई थी। ये एक दो दिन पहले भी इसने कहा था कि अपने परिवार में अपने मामा और अपनी माँ को बताया था कि अगर ये नहीं स्थिति सुधार में आई तो मैं कुछ कर दूंगा। इसका कहना है कि मैं बहुत बेचैन रहता था, मुझे नींदें नहीं आती थी कि मेरी भाभी के साथ ये कैसे सब हो रहा है और इसलिए मैंने महादेव को मार दिया और जब उसके बीवी और बच्चे जागे तो मैंने इसलिए उनको भी मार दिया।
क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस गोलू को लेकर मौकाए वारदात पर पहुंची और समझने की कोशिश की कि कैसे उसने वारदात को अंजाम दिया था। क्यों मारा है? चार चार लोगों को मारा है, कुछ तो कारण बड़ा कारण रहा होगा। चार लोगों को मारा है, कारण ये है कि उसने गलती की थी, अपने इज्जत अपने मर्यादा की तरह ऐसी हरकत का इरादा। उसने गलती क्या की? गलती तो बताओ क्या थी? उसने मेरे घर में ऊट पटांग की देखी थी। क्या बताओ तो किसके साथ की? जो नामजद एफआईआर हुई थी इसमें गोलू के द्वारा जो है हत्या की गई थी, आज इसका गिरफ्तारी जो है किया गया है पूरी हमारे कोतवाली नगर और क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा इसमें गिरफ्तारी की गई है। तफ्तीश के लिए बांदा से आनंद तिवारी की रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दोई में समाज सुधार के नाम पर एक कथित संत सैकड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब संत के आश्रम से बंधक बनाकर रखी गई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने मुक्त कराया। दरअसल एक ऐसा संत और समाज सुधारक है जो देश में रहते हुए न तो तिरंगे झंडे को मानता है न ही देश के संविधान को। ये नाबालिग लड़के और लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे संस्था के लिए चंदे इकट्ठे करवा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही में कथित संत की कारस्तानी, आश्रम से नाबालिग लड़की मुक्त, आरोपी संत पुलिस की गिरफ्त में। आइए आज आपको दिखाते हैं भदोही जनपद के एक कथित समाज सुधारक और संत का असली चेहरा। ये ना तो भारत के संविधान को मानता है और ना ही तिरंगा झंडा। इसका काम है गरीब परिवारों के मासूम बच्चों को इस्तेमाल कर सर्वे के नाम पर रोजाना हजारों रुपए चंदा इकट्ठा करवाना और बच्चों के मन में देश के संविधान और सरकार के प्रति नफरत फैलाना। राष्ट्रीय ध्वज बना था जो है वह समता मूलक था, सूर्य और चांद का निशान था और ऊपर का जो कपड़ा था जो है वो आसमानी कलर था, बीच में हरा कलर और नीचे मिट्टी कलर, और उसमें सूर्य चांद का पहचान था और ये नकली है। असली को छुपा कर, नकली को फहरा कर और नकली यहाँ विधान बना के चला दिया गया। अपने फ्रॉड के कारोबार को पुख्ता करने के लिए उसने बताया कि उसकी हकबंदी सर्वे की परमिशन देश के राष्ट्रपति ने दी है और उन्हीं की परमिशन पर चंदे की रसीद भी काटी जा रही है। जबकि सच तो ये है कि ये पेशेवर शातिर राष्ट्रपति भवन में अपनी फर्जी अर्जी को रिसीव करवा कर उसके फोटो स्टेट के जरिए भोले भाले लोगों को बेकूफ बना रहा है। हकबंदी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से 15 अगस्त को परमिशन कराया गया और उन्होंने परमिशन दिया, उसके बाद से ये जो है समतामूलक के लिए रसीद कटने लगी। ये जो राष्ट्रपति जी ने ये कहा कि जो है ये समतामूलक का मतलब हम परमिशन दे रहे हैं लेकिन जनता ये मांग करेगी, जनता ये कहेगी कि हाँ ये संविधान के तहत हमें समतामूलक आजादी चाहिए तो हम सब कुछ जो भी होगा वो कर सकते हैं। तो ये जो है रसीद गांव-गांव जो है जनता से रसीद कटने लगी कि क्या आपको समतामूलक हकबंदी चाहिए, तो आपने कहा हाँ बस ये रसीद कटती है। इस फर्जी संत का खुलासा तब हुआ जब संत के आश्रम से बंधक बनाकर रखी गई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने मुक्त कराया। आरोप है कि नाबालिग को बहला फुसलाकर संत ने उसे संस्था का हकबंदी अधिकारी बनाया था और उसे 2,000 रुपए महीने देने को बोला था। गांव में एक लोग आए थे तो ये बताए कि इसमें काम हो रहा है और लड़कियां हैं बहुत सी, उन लोगों के साथ उनको देखा तो हम भी शौक से करने लगे कि भाई चलिए करेंगे, और बोले लालच भी दिए, बोले कि 2,000 रुपए आपको मिलेगा महीना महीना, रसीद काटना पड़ता था, एक रसीद दूसरे को दिया जाता था, एक रसीद हमारे पास रहता था। क्या था रसीद? उस कितना लेते थे? उसमें 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए लगता था, जिसको जितने में कटवाना है उतने में कटवाए। तो जो कलेक्ट करके लाते थे पैसा वो कहाँ जाता था? राजेंद्र प्रसाद लेते थे। संत पर आरोप है कि पीड़ित नाबालिग को संस्था की रसीद देकर उससे चंदा एकत्र करवाता था। कुछ दिन पहले नाबालिग ने घर जाने को कहा तो राजेंद्र ने उसे आश्रम में बंधक बना लिया, जिसे परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुक्त करवाया। बोलते थे कि लेट हो गया है मत जाओ, ऐसे तरह तरह की बातें बोलते थे और बोलते थे कि क्लास चलेगा, बोलते थे कि ये सब नकली है, ये संविधान नकली है, झंडा नकली है, सब कुछ नकली है, नेहरू का संविधान नहीं चलेगा, सब कुछ नकली है। छात्रा 11वीं क्लास की है जिसके मामा जौनपुर निवासी हैं, उनके तहरीर पे मुकदमा कायम हुआ है थाना औराई में, जिसमें आईपीसी की 419, 420, 354 अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया गया और कायम करके लड़की को जो समतामूलक संस्था के नाम से है वहाँ से मुक्त कराया गया।
संत की फर्जी संस्था में एक नन ही नहीं बल्कि 50 से ज्यादा लड़के और लड़कियां हैं और लगता है कि कई बच्चों को बहला फुसला कर रखा गया है। इन बच्चों को संस्था की वर्दी दी गई है और सभी को हकबंदी अधिकारी का पद देकर उन्हें एक एक रसीद की बुक भी दी गई है। बताया जा रहा है कि इसके माध्यम से रोजाना कई हजार का चंदा लड़के और लड़कियां लाकर कथित संत को दे रहे थे। नाबालिग को बंधक बनाने के मामले में जब कथित संत पर मुकदमा दर्ज किया गया तो आरोपी संत की गुंडे भी देखने को मिली। अपने समर्थकों के साथ इलाहाबाद वाराणसी हाईवे जाम कर जमकर हंगामा काटा और पुलिस कर्मियों पर हमला भी बोला। पुलिस ने कथित संत राजेंद्र कुमार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। संत राजेंद्र प्रसाद नाम का, वो और उनके सपोर्टर्स आज हाईवे जाम करने का प्रयास किया। जब बौराई पुलिस ने समझाया बुझाया तो उनसे हाथापाई किए, उनको हटा दिया गया बलपूर्वक और उनके खिलाफ मुकदमा लिख के 4 गिरफ्तारी की गई है और कार्रवाई की जा रही है। खबर के मुताबिक इस फर्जी संत ने अपना आश्रम नटवा गांव में सरकारी जमीन पर बनाया था जिसको बवाल मचने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने गिरा दिया है। इसके आश्रम में कई झंडे और पंपलेट मिले हैं जिसमें संविधान के विरोध में नारे लिखे गए हैं। ये राजन प्रसाद हैं, ये मिर्जापुर के रहने वाले हैं। यहाँ इस गांव नटवा गांव में अपने कब्जा करके सरकारी गतिविधियाँ संचालित कर रहे थे। इनके साथ कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे बच्चियाँ साथ में, इस संज्ञान आने पर इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी संत नक्सलियों की सोच से प्रेरित था। आरोपी मिर्जापुर जिले का रहने वाला है। तफ्तीश के लिए भदोही से दिनेश पटेल की रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगरा में 9वीं क्लास के छात्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। छात्र की हत्या पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग किशोर ने की थी। छात्र ने आरोपी को मोबाइल की मेमोरी कार्ड खरीदने के लिए रुपए दिए थे लेकिन आरोपी ने न रुपए वापस किए न मेमोरी कार्ड दिया और छात्र की हत्या कर डाली। छात्र की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। एक नाबालिग किशोर ने की थी छात्र की हत्या। मोबाइल की मेमोरी कार्ड खरीदने को लेकर हुआ था विवाद। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के ककुआ गांव के रहने वाले छात्र आशीफ का शव 2 जनवरी को खेत में बरामद हुआ था। आशीफ स्कूल से लौटकर पहले घर गया, उसके बाद साइकिल उठाकर चला गया। शाम के वक्त आशीफ का शव खेत में बरामद हुआ था। मृतक आशीफ स्कूल की ड्रेस पहने हुए था और ड्रेस की बेल्ट से ही उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश की तो खुद पुलिस वाले भी चौंक गए। पुलिस के मुताबिक आशीफ के पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग किशोर ने आशीफ की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि आशीफ ने हत्या के आरोपी से मोबाइल के मेमोरी कार्ड खरीदने के लिए 100 में सौदा तय किया था। आशीफ ने 40 एडवांस भी दिए थे और बाकी रुपए मेमोरी कार्ड देने के बाद तय हुए लेकिन आरोपी किशोर ने मेमोरी कार्ड भी नहीं दिया और न ही रुपए वापस किए। आशीफ आरोपी से लगातार मेमोरी कार्ड मांग रहा था और फिर 40 वापस मांग रहा था। आरोपी को मेमोरी कार्ड और रुपए मांगना काफी बुरा लगा, लिहाजा आशीफ को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। आरोपी ने आशीफ को खेत पर बुलाया और बेल्ट से गला दबाकर हत्या कर दी। उसको खड़ेंद करके एक ट्यूबवेल के पास बुलाया और ट्यूबवेल के पास ही एक सरसों का खेत है, उसमें इसको बुलाया कि आओ मेमोरी कार्ड नहीं दे देते हैं, और भी बातें तुमको बताते हैं, हमारे पास बहुत मोबाइल है और भी मेमोरी कार्ड है, जैसा कहोगे वैसा दे देंगे। जब बातों में आ गया तो अचानक से उसका गला पकड़ के दबा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और बाद में इसने लड़के के ही बेल्ट को निकाला उसके पैंट से मृतक के और उसके गले में उसको लगा के फिर दबा दिया और बांध दिया जिससे अगर बचने की कोई संभावना भी हो तो समाप्त हो जाए। आरोपी को नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने सबके सामने पेश नहीं किया और आरोपी को किशोर सुधा गृह भेज दिया गया है। मृतक का मोबाइल इस अभियुक्त के निशानदेही पर जहां छिपा दिया था एक खेत में गाड़ दिया था इसने, अपने ही खेत में मिट्टी में दबा दिया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। जिस मेमोरी कार्ड की बात वो कर रहा था वो भी बरामद कर लिया गया है। तफ्तीश के लिए आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गोरखपुर में शोधों का आतंक जारी है। अब एक महिला प्रोफेसर से छेड़खानी की घटना सामने आई। शोध एक कई दिनों से फेसबुक और मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजकर एक महिला एसोसिएट प्रोफेसर को परेशान कर रहे थे। वहीं अनहोनी की आशंका को देखते हुए महिला प्रोफेसर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर पुलिस ने एक शोधे को गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 आरोपी शोधे फरार हो गए।
गोरखपुर में महिला प्रोफेसर के साथ छेड़खानी। शोहदे भेज रहे थे फेसबुक और मोबाइल पर अश्लील मैसेज। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत है पीड़ित प्रोफेसर। मामला गोरखपुर के गुलरिहा थाने के शिवपुर का है, जहां मोहल्ले का विकास यादव काफी दिनों से प्रोफेसर के साथ छेड़खानी कर रहा था। इतना ही नहीं, प्रोफेसर के मना करने के बावजूद शोहदा मोबाइल और फेसबुक पर अश्लील मैसेज भेज रहा था, जिस पर महिला प्रोफेसर ने महिला हेल्पलाइन और डायल 100 पर शिकायत की थी। महिला हेल्पलाइन और डायल 100 पर शिकायत करने के बावजूद महिला प्रोफेसर को किसी तरह की मदद नहीं मिल पाई थी। वहीं बीते दिनों शोहदे ने हद पार करते हुए प्रोफेसर को आई लव यू बोल डाला, जिस पर महिला प्रोफेसर ने अनहोनी की आशंका को देखते हुए गुलरिहा थाने में शोहदे विकास यादव के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। एक लड़का था, वो कई दिनों से मुझे फेसबुक पे और मोबाइल पे मैसेजेस भेज रहा था, तो मैंने उसको वहाँ पे तो ब्लॉक कर दिया, पर ये था कि मैंने इसकी खबर 100 नंबर पर भी दी थी और जो महिला हेल्पलाइन है वहाँ पर भी मैंने ये खबर दर्ज कराई थी। बावजूद उसके कोई खास बहुत एक्शन नहीं हुआ। तो अब कई दिनों से वो जो था, मतलब मैं कहीं निकल रही हूँ तो थोड़ा वॉच करता था, पीछे पीछे जाता था, और कल वो आकर के, परसों आकर के मेरे गेट पर जब मुझे आई लव यू बोल के गया, सारी हम लोग महिलाएं खड़ी हैं वहां पे, अगर उसने मुझे बोला तो फिर मुझे लगा अब इस बात को छोड़ने वाला नहीं है, हिम्मत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तब फिर मैंने कार्रवाई की। हालांकि पुलिस ने शोहदे विकास यादव को गिरफ्तार कर तो लिया है, लेकिन उसके दो साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी को लेकर भी पीड़ित महिला प्रोफेसर ने जमकर भड़ास निकाली है। जब उनके साथ इस तरह की घटना हो सकती है, तो आए दिनों युवतियों को शोहदों से किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एंटी रोमियो सेल अगर है भी एक्टिव, तो वो सिर्फ शहर में है। शिवपुर शहबाजगंज जैसा इलाका जहां पर इतनी कच्ची दारू के ठेके चलते हैं, वहां पर कोई ऐसा दल नहीं, और खुले आम लड़के जो है चरस स्मैक पी रहे हैं। संत हुसैन नगर कॉलोनी पूरा अड्डा बना हुआ है इन लोगों का, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो भी कार्रवाई है एंटी रोमियो सेल की, वो सिर्फ और सिर्फ शहर में है, बाकी जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं है, खुलेआम ही लड़के घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, महिला प्रोफेसर ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि मोहल्ले में आए दिन इस तरह की शोहदे छेड़खानी किया करते हैं। पुलिस को तो एकदम जानकारी रहती है कि कौन सा इलाका ज्यादा सेंसिटिव है। शिवपुर शहबाजगंज आज नहीं, कई वर्षों से बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, जबकि थोड़ी ही दूर पर आपका पादरी बाजार पुलिस चौकी है। जल्दी लोग जो है इस मैटर पे हेल्प नहीं करना चाहते। दो चार ही लोग हैं कॉलोनी में जो साथ में आए मेरे, पर और लोग हैं सब अपने अपने घरों में छिपे बैठे, कि ये नहीं सोच रहे कि हमारी भी लड़की है, कल को हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन पुलिस किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला एसोसिएट प्रोफेसर ने खुद के साथ छेड़खानी की घटना को गंभीरता से लेते हुए कड़े कार्रवाई की मांग की है। वहीं सीएम सिटी में महिला प्रोफेसर से छेड़छाड़ की घटना सामने आने पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। तफ्तीश के लिए गोरखपुर से अनिल सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर में एक सौतेली माँ ने ऐवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले उसने 8 वर्षीय मासूम को घर में बांध कर यातनाएं दी, जब उससे भी जी नहीं भरा तो उसे खाने में जहरीला पदार्थ दे दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। सौतेली माँ द्वारा मासूम की प्रताड़ना की सूचना कई बार तुलसीपुर थाने में दी गई थी। सौतेली माँ की करतूत, 8 वर्षीय मासूम को दिया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान मासूम की मौत। मामला बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के नई बाजार पुरवा का है। यहाँ के रहने वाले नसीर ने 3 साल पहले पहली पत्नी के मर जाने पर दूसरी शादी कर ली थी। पहली शादी से नसीर को 2 बच्चे हुए। आरोप है कि नसीर की दूसरी पत्नी सकीना शादी के बाद से ही पहली बीवी के दोनों बच्चों को मारती पीटती थी और उन्हें घर में बंधक बनाकर रखती थी। 2 दिन पहले मासूम अल्तमश के मामा अब्दुल रब ने थाने में शिकायत की कि बच्चे की सौतेली माँ शकीना ने उसे बुरी तरह मारा पीटा है और उसे कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया है, जिससे उसे खून की उल्टी हुई है। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवेरे सवेरे मारत रही किराया, तबीयत खराब, लेकिन पहले वो मारी ना होगा तो सुबह 7 बजे इसके माँ मार रही थी, मार रही थी, और अपने घर पे गई, बताया कि मार रहे थे, सब लोग गाली देने लगे कि कोई करेगा नहीं। माँ बाप दोनों मिलके मारे,
दोनों मिलके मार दिया, दोनों मिलके मार दिया। और बच्चा और वका बच्चा बचा ही था ना, उम्र वो पे मादा जी नंबर वते है। और उसकी और उसकी औरत बोल रही, मैं जब तक दोनों को मारूंगी जब तक चैन नहीं लूंगी। मारत मारत भैया तीन साल से लड़का बैठो है, उसके पेट के लिए एक लड़का और है, उसे ले चाहिए। सोमवार को इलाज के अभाव में मासूम अल्तमश की मौत हो गयी। इस घटना के बाद से पूरे तुलसीपुर इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है। तो आप लोगों ने थाने पे एप्लीकेशन दिया या? थाने पे एप्लीकेशन दिया, तीन महीना पहले दिया, अभी दो तारीख को फिर दिया था। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुआ नंबर फोन करके तीन गाड़ी। मासूम की मौत के बाद हरकत में आई पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। 8 वर्षीय कोई लड़के को उसकी सौतेली माँ ने तथा कथित वो उसको कोई शायद जहरीला पदार्थ दे करके मार दिया है। इसमें FIR भी थाने पर प्राप्त हुई है और उसमें बच्चे को अंत परीक्षण के लिए उसकी डेड बॉडी को भेजा गया है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जा रही है और उसकी तहरीर पर जो भी धाराओं में जो भी अभियोग बनेगा वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर वक्त रहते पुलिस हरकत में आई होती तो 8 साल के मासूम बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। शिकायत पर तुलसीपुर थाने में संवेदनहीनता, पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो आज ये मासूम जिंदा होता। तफ्तीश के लिए बलरामपुर से सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, ETV न्यूज। जुर्म की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसके जर्रे जर्रे को तार तार करती रहेगी तफ्तीश। गुनहगारों को बेनकाब करके उनका असली चेहरा भी दिखाती रहेगी तफ्तीश। फिर खोलेंगे तफ्तीश के आईने में सनसनीखेज वारदातों के पन्ने। जागरूक रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए तफ्तीश।